जय हिंद नमस्कार आदाब सबको वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं संजीव राठौर आज के इस महायुद्ध में आप सबका स्वागत करता हूं आपको बताया था बोला था समझाया था सिखाया था चिल्ला चिल्ला के बताया था कि हम सब अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपको पढ़ाते हैं हम सब आपके अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आप सब लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आपके एग्जाम्स में आती हैं कई बार आप लोग ट्रस्ट कर लेते हो कई बार आपसे ट्रस्ट नहीं होता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बार बार इंग्लिश के लिए डरते थे आज आपको ट्रस्ट हो गया कि मैं जो कहता था मैं ये कहता था एक बार मेहनत करके पढ़ लो कॉन्सेप्ट कभी नए नहीं होते कॉन्सेप्ट कभी अलग नहीं आते और ऐसा ही हुआ आप में से अगर कोई भी रेगुलर स्टूडेंट रहा होगा तो उसे पेपर बहुत आसान लगा होगा मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने पढ़ा दिया वही आ गया बट मैं ये जरूर कह रहा हूं पेपर आसान था पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको परेशान कर सके जो आपको निराश कर सके जो आपको हताश कर सके क्योंकि क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया और क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन ना आने का मतलब है पेपर आसान है और इससे आसान पेपर क्या मिलेगा आपको तो क्या कहते हैं आप लोग कैसा लगा आप लोग ये पेपर एक बार हमें बताइएगा अगर आपने पेपर दिया है तो अगर आपने पेपर दिया तो मजा आ गया ना जो कहते थे वो कर किया ना अब तो सोच लो अब तो ट्रस्ट कर लो अभी भी अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कब ट्रस्ट करोगे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि मुझे टाइप कराने का मौका नहीं मिला इसमें मुझे टाइप कराने का इसमें मौका नहीं मिला तो देखो पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ठीक है जूम कर देता हूं और क्वेश्चन है ट्वेंटी बाई क्लाइमेट मॉडल होता है किसी चीज का बढ़ना और वो बढ़ोतरी बढ़ोतरी हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस में तो किसका यूज करेंगे मतलब हम कह सकते हैं कि इंक्रीज के साथ हम प्रेपोजिशन इनका यूज करेंगे यहां पर किसका यूज करेंगे इंक्रीज के साथ प्रपोजिशन इनका यूज करेंगे गेटिंग माई पॉइंट समझते जाना चलते जाना और देखो चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो चाहे नेवी का हो एनडीए हो सी डी एस होट हो क्वेश्चन हो। अपनी क्लासेस से ही मिलेंगे पहले भी कहता था आज भी कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा ठीक है ना चलिए अब न्यू बैच सात या आठ तारीख से स्टार्ट कर देंगे न्यू बैच आपका सात या आठ तारीख से स्टार्ट कर देंगे ठीक है अगला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं देखो शुरुआत के दस क्वेश्चन आपके प्रशन के ही हैं इन पर ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क अंग एज एंड आर देयर फॉर अ सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है कि गरीब परिवारों के जो बच्चे होते हैं उनको वो छोटी उम्र से ही कहा छोड़ दिया जाता है छोटी उम्र से ही उनको काम में छोड़ दिया जाता है जब हम एज की बात करते हैं फिक्स टाइम बताते हैं एज की बात करें या फिर हम किसी भी ओल्ड एज की बात करें यंग एज की बात करें या किसी भी एज की टीन की बात करें तो एज के साथ लगाते हैं एट ये बात लिख लेना एयरफोर्स के लिए भी एज के साथ किसका यूज करते हैं एट का तो यहां पर एज यंग एज आया ओल्ड एज आ जाता केवल एज आ जाता एट यूथ आ जाता तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं एट का यूज करते हैं यह भी क्वेश्चन आसान था आपका अगर आपसे गलतियां हुई तो इसको सीख लेना फिर दोबारा गलती इसमें नहीं होनी चाहिए अगला क्वेश्चन पीपल जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ जो वर्क नहीं करते हैं जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं उनके लिए ये बात कही गई है वो सक्सेसफुल नहीं होते तो अवर्स के साथ फिक्स प्रपोजिशन है और अवर्स के साथ आती है टू अवर्स का मतलब होता है अगर वो हार्ड वर्क से बचने की कोशिश करते हैं दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो अवर्स के साथ किसका आया सेट कोई भी हो क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी ही रहा पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर इजी ही रहा है ठीक है इसको ध्यान से समझो ये आपका एयरफोर्स का बैच अभी चल रहा है सारे बैचेस की बात मैं आपसे करूंगा लेकिन पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है इस पेपर को सॉल्व कराना और भी बच्चे हैं जो एयरफोर्स वाले होंगे जो एनडीए 2021 वाले होंगे जो और भी स्टूडेंट होंगे उनको भी इस सेशन को शेयर करो उनको भी जोड़ो ये सेशन बूस्टअप सेशन है क्योंकि ऐसा पेपर अगर मिलता है तो ये बूस्ट करने में आपकी बहुत मदद करता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखो आप सब लोग जानते हो हम बात करते हैं आई है ये पीरियड ऑफ टाइम है मतलब अनिश्चित समय है। और अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए आता है फॉर तो क्या हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा क्या होगा यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टाइम का यूज करेंगे क्वेश्चन देखो इससे आसान सिंस और फॉर के क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में इससे आसान आपके पेपर में क्या हो सकता है हाँ ये जो क्वेश्चन मुझे देख रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो हाँ जिसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया होगा आई एक्सेप्टेड द ऑफर सर्टेन कंडीशन ऑन है उसके बाद आपके सामने ऑप्शन भी आए हुए हैं ऑन है उसके बाद और भी ऑप्शन है इसके बाद ऑफ भी आप नहीं सॉरी ऑन है इन है बाई है विद इन है तो इसमें बताइए क्या आएगा इस प्रपोजिशन इसमें फिल करिए ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जिसने थोड़ा सा आपको परेशान किया होगा इसने क्वेश्चन ने उलझाया होगा और मैं आप सबसे इसका जवाब जानना चाहूंगा कमेंट करिए फटाक से जल्दी से कमेंट करिएगा जी मैं देखना चाहूंगा आप सबको ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा टफ आपके पास ऑप्शन है ऑन इन बाय विद इन जल्दी करिएगा क्योंकि स्पीड भी बढ़ानी है बाकी सब्जेक्ट वाले भी आएंगे अपने साथ जिसका पेपर नहीं था ना वो भी जरूर देखें यस 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 जवाब आ रहे हैं वेरी गुड जवाब आ रहे हैं सबके और कुछ कोशिश करिए वेरी गुड ज्यादातर लोग विद इन के साथ जा रहे हैं नहीं यही तो गलती कर ली विदिन में क्लिक नहीं है यहां पर आएगा ऑन जब हम किसी चीज को कुछ स्पेशल कंडीशंस में जहां पर हम पॉइंट निश्चित कर देते हैं उस कंडीशन में लगाते हैं ऑन तो क्या आएगा इस क्वेश्चन में ऑन का यूज करेंगे बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती कर ली होगी क्योंकि यही एकमात्र अभी तक ऐसा क्वेश्चन नजर आया जो हमें उलझा सकता था और बड़े एक्सपीरियंस के बाद इन सवालों के जवाब आप दे सकते हो ठीक है तो ध्यान रखना इसके साथ ऑन आया कॉन्सेप्ट की बात हम लोग क्लासेस में करेंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस में सीखेंगे अभी आंसर की अपनी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेवन था देर इज नो क्योर द कॉमन कोल्ड देखो क्योर के साथ ऑफ भी आता है और क्योर के साथ फॉर भी आता है लेकिन यहां पर क्योर के साथ आएगा फॉर क्योंकि बात हो रही है परपज की इसकी बात हो रही है परपज की बात हो रही है ये कड़ुआ सच है बच्चा जिन लोगों को बहुत आसान लगा होगा ना उनके लिए कड़वा सच है सबको एक बार शेयर कर लो ये भी बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है नेवी वालों के लिए भी सीडीएस वालों के लिए भी उन सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो क्या आ जाएगा फॉर आएगा अच्छा आई रेन जॉन यस्टरडे एंड इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज एक और ऐसा क्वेश्चन जिसने आपको रुलाया होगा जिसने आपको परेशान करने की कोशिश की होगी जरा इसकी तरफ जाओ क्वेश्चन नंबर एट इसने भी आपको थोड़ा सा उलझाया होगा यह भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है कुछ आसान क्वेश्चन के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जो आपको निराश कर सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं जरा बच्चा बताइएगा इसमें क्या आएगा मैं आपके जवाब दे रहा हूं जवाब आपके अच्छे आ रहे हैं बस मुझे इसी बात की खुशी है इसी बात की खुशी है बहुत सारे लोग ऑफ लगाएंगे क्योर वाले क्वेश्चन में जवाब भी दे रहे हो लेकिन सही जवाब क्या है फॉर आपका सही जवाब है वाह क्या बात है और देखो सब लोग तैयार रखना इन चीजों को सब लोग तैयार रखना इन चीजों को ऑफ बता रहे हैं देखो आसान मत समझना और भी मत समझना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रेन बाई रेन ऑफ रेन टू या रेन बिसाइड छोड़ के सबका मीनिंग बन रहा है एक बार सबके जवाब भी आए फटाक से जवाब दो ओके ओके ओके, ओके। देखो हमेशा रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी पर ट्रस्ट रखो मार्च से लेकर तेरह मार्च को क्लास स्टार्ट हुई थी और अब तक क्लासेस आपकी एनडीए की बंद नहीं की क्यों क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग हर चीज को बारीकी से सीखें यहां आएगा रेन इनटू और रेन इनटू का मतलब होता है अचानक से मिल जाना हालांकि आई रेन जॉन यस्टरडे मैं जॉन से अचानक से मिल गया लेकिन ये मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज की तरह था इसने थोड़ा सा हिंट दिया बच्चे समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि अचानक से मिले हैं इसीलिए तो सरप्राइज है और जो जानबूझ सरप्राइज नहीं होता मेरे कॉन्सेप्ट को समझो मेरी बात को समझो अचानक से मिला है तभी तो ये सरप्राइज है अचानक से ना मिलते तो ये सरप्राइज नहीं होता और बहुत सारे लोग कुछ और की तरफ जा रहे थे बेटा जागो समझो ये कॉन्सेप्ट की बात है इनको रट नहीं सकते आप ठीक है आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने माय ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग द लवली लेक बहुत अच्छी लेक में हमारी ग्रैंड मदर जो है बोटिंग को एंजॉय कर रही है इन ऑन विसाइड या फिर विद इन लेक में लेक का मतलब है झील झील में वो इंजॉय कर रही है नाव पर नहीं एंजॉय कर रही है झील में लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे इनकी तरफ जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा या बोट पर थोड़ी ना बैठे हैं इंजॉय तो बोट पर बैठ के कर रहे हैं अगर यहां पर हम बोट कर लेते तो बिना जाने समझे आप ऑन बोट कर लेते बिना परेशान हुए ऑन बोट कर लेते लेकिन बहुआ इंजॉय कहां कर रही है वो बैठ के बोटिंग पर बैठकर ही तो एंजॉय कर रही है अगर बोटिंग का मतलब क्या है नाव पे बैठी है वो नाव पे ना बैठी होती तो झील में होती और झील में होती तो इन लगाते इस बात को समझो ऑन द लेक इन ना लगा लेना और बच्चों के दिमाग में इन आएगा बच्चों के दिमाग में क्या आएगा इन आएगा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ध्यान देना इस पर भी ही विजिट्स द नीड टू रिलीव दैम देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी वो किसी इंसान के पास गया क्यों? क्योंकि उसे आराम दिलाना था उसकी मुसीबत उसके कष्टों से उनको रिलीफ देने के लिए तो क्या आएगा हम कहते हैं जब किसी चीज से दूरी बनाते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं लेकिन प्रभु ये जो रिलीफ वर्ड आया ना इसके साथ लगाते हैं ऑफ और छोटा वाला ऑफ आता है ओ ऐप किससे किससे छुटकारा दिलाना पोजीशन की बात हो रही कनेक्शन की बात हो रही और कनेक्शन की बात हो रही है तो ओ का यूज करेंगे छोटी वाली प्रेपोजिशन क्योंकि ये यहाँ पर प्रेपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है आ रही है बात समझ में कॉन्सेप्ट भी सीखते जाना कॉन्सेप्ट नहीं 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 ऑफ तो यहाँ पर एडवर्ब बन जाता रिलीफ ऑफ अगर कर देते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाना यहां वो कह रहा उनको छुटकारा दिलाने के लिए आराम दिलाने के लिए गया था बात को समझो बड़ा वाला क्यों नहीं बड़ा वाला ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना रिलीफ ऑफ फिक्स वर्ड है रिलीफ ऑफ क्या है फिक्स है और आप सब लोग जानते हो फिक्स वर्ड के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं बात आ रही है ना समझ के सिक्स क्वेश्चन का आंसर बताया नहीं था मैंने ये समझ आ गया गलत कराए परेशान मत हो अपनी मेहनत पर भरोसा रखो अपनी मेहनत पर भरोसा रखो सिक्स क्वेश्चन का बहुआ आंसर बताया है मैंने अभी एक बार फिर बता दें क्या क्वेश्चन नंबर सिक्स कहां गया क्या था क्या था क्वेश्चन नंबर सिक्स कहां गया भैया सेवन हाँ वुमन ऑफ रहेगा यहां पे वुमन ऑफ वो कैसी वुमन है वो हमल ऑरिजन वुमन है वुमन ऑफ रहेगा अच्छा मैंने छोड़ दिया था वुमन ऑफ रहेगा अभी आगे सारे क्वेश्चन सारे पचास क्वेश्चन ला रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर ऑफ ठीक है क्लियर है ना गलती से बता दिया होगा ठीक है बाबू बच्चे कम नहीं होने चाहिए एक बार सब लोग शेयर करो और अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे भी प्रेस करो मेहनत का फल मिला है मैंने भी भी मेहनत मेहनत की की आपने की। मैं ये झूठी झूठी बातें नहीं कहूंगा मैंने जो पढ़ाया वही आया हाँ कॉन्सेप्ट आए हैं जो कॉन्सेप्ट क्लास में बार बार डिस्कस किए हैं वो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं मैं इस पर तो रुका रहूंगा और इस बात से पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि रेगुलर मेहनत की है मैंने मैं उन लोगों में से नहीं रहा कि हफ्ते में महीने में एक बार आया पढ़ाया और चला गया रेगुलर मेहनत की थी मैंने आपके लिए और इस बात से आप लोग परिचित भी होंगे चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होंगे और भाई एरर इससे आसान तो मुझे कभी नहीं देखने को मिली एक बार नेवी में आए थे ऐसे क्वेश्चन लेकिन भैया फिर से आए ऐसे ही आसान क्वेश्चन देखो बाबू कंप्राइज के साथ आपने ऑफ देखा भी होगा और नहीं भी देखा होगा कंप्राइज के साथ ऑफ आता भी है और नहीं भी आता है comprise के साथ of तब लगाते हैं जब सेंटेंस हमारा पैसिव में हो और अगर एक्टिव में हो तो comprise के साथ नो no प्रीपोजिशन समझ रहे हो ना एक्टिव कंडीशन में comprise के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं और सेंटेंस अगर पैसिव में हो तो comprise के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं इस बात को अपनी कॉपी में नोट करो अभी अभी नोट करो अभी तुरंत के तुरंत नोट करो ठीक है कि comprise अगर पैसिव में यूज हो रहा है तभी उसके साथ ऑफ आएगा और अगर वो एक्टिव में है तो उसके साथ हम कभी किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते तो गलती कहाँ है प्रभु बी में गलती है और बहुत सारे बच्चों का सही है खुश हो जाओ मुस्कुराते जाओ और जोश में रहो एक क्वेश्चन गलत हो गया ना तो उससे घबराना नहीं परेशान मत होना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बारह की लुक फॉरवर्ड कितने बार एक बार रात में नौ बजे क्लास ली थी आ, हमने अग्निपथ पढ़ाया था ना याद है ना अग्निपथ में ये क्वेश्चन कराए थे जिसमें आपको बताया था कि लुक फॉरवर्ड के साथ में हम जेरन का यूज करते हैं तो टू मीटिंग और हमें लगता है ये क्वेश्चन ही कराया है हमें तो याद है कि ये क्वेश्चन ही कराया है मैंने इस क्वेश्चन को ही कराया था आपको याद है क्या लुक फॉरवर्ड के साथ हम इन्फिनेटिव नहीं जेरंड का यूज करते हैं और जेरंड आएगा तो टू मीटिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा टू मीटिंग आया समझ में ये भी नोट कर लो लुक फॉरवर्ड के साथ हम जेरंड का यूज करते हैं बात समझ आ रही है ना बात को समझ पा रहे हैं ना आप रेगुलरिटी पे विश्वास करो रेगुलरिटी पे ट्रस्ट करो रेगुलरिटी को सैल्यूट करो उन चीजों को सैल्यूट करो जो हर रोज आपके लिए प्रयास करते रहे क्यों गलत क्यों हो गई ये तो पढ़ाया यार डिटो क्वेश्चन आया प्रभु ये बिल्कुल डिटो क्वेश्चन आया जैसा क्लास में कराया वैसे ही डिटो क्वेश्चन आया है बिल्कुल वही क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन आया भाई इससे बड़ी बात क्या कह सकता हूं मैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहा है ये भी क्वेश्चन कराया है नौ बजे और दस बजे की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए इस बात का अंदाजा आपको अभी भी ना हो तो भैया अपने पैरों पर पे मारो कुल्हाड़ी आई कैन नॉट कोप जिसका मतलब होता है सामजस्य बिठाना एडजस्ट करना तो कोप अप नहीं होगा क्या होगा कोप विद होगा कोप अप नहीं कोप विद जिसका मतलब होता है सामजस्य बिठाना एडजस्ट करना ठीक है आया कॉन्सेप्ट आए हुए हैं मुझे पता है कॉन्सेप्ट आए हुए हैं वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अरे यार इस पेपर को तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं आप लोग सॉल्व कर रहे ले, ले रहे हो आई कैन नॉट आई केम टू दिस प्लेस वाई वॉक ये देखो आसान सा क्वेश्चन एक और आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देव भाई इसका जवाब फटाक से जवाब दो आई कैन केम टू दिस प्लेस वाई वॉक वाई वॉक करोगे ऑन वॉक करोगे क्या करोगे आप हमारे स्टूडेंट है भाई आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं और रेगुलर स्टूडेंट को सैल्यूट करता हूं मैं जवाब भी आ रहे हैं आप लोगों के जवाब भी दे पा रहे हो ये अच्छी बात है देखो वाई वॉक नहीं पैदल आने का मतलब है पैदल आया जिसे कहते हैं ऑन फुट। क्या बोलते हैं पैरों से चलकर आया पैदल आया और फिक्स वर्ड है ऑन फुट का यूज करते हैं ठीक है वॉट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होता है वॉट इज टाइम बाई योर वॉच होता है वॉट इज टाइम इन योर वॉच नहीं होता ये तो बचपन में स्पोकन इंग्लिश में सिखाई जाती है चीजें किसमें सिखाई जाती है स्पोकन इंग्लिश में वहां ऑन वॉक नहीं ऑन फुट होना चाहिए था द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है लेकिन मुझे नहीं लगता टफ है क्योंकि आप लोगों को ये चीजें देन दैट ऑफ दोज ऑफ में देखो याद है ना वहीकल वाले कितने बार एग्जाम्पल दिए थे तराजू वाला मेथड भी बताया था वहीकल वाला एग्जाम्पल बताया था नया बैच अगले दो या तीन दिनों से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा मैं पैसों की बात नहीं करता हर चीज एग्जाम को डिफेंस वॉरियर पे डिफेंस के जितने भी एग्जाम है सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते कोई पैसा नहीं लेते सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है उन लोगों से बच के रहो जो आपसे पैसा लेते हैं जब आपको क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी वाली चीजें फ्री में मिल रही है तो फ्री में पढ़ो पैसों के लिए मत परेशान हुआ करो ठीक है अब देखो यहां पर क्या करोगे द प्राइस ऑफ माय ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ yours आपने क्या किया दैट ऑफ भी लगा दिया और योर्स भी कर दिया देन योर्स अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ड्रेस की जो कॉस्ट है वो आपकी ड्रेस से ज्यादा है हमारी जो द प्राइस ऑफ माय ड्रेस मेरी ड्रेस की जो कॉस्ट है आपकी ड्रेस से ज्यादा है दैट ऑफ का यूज यहां नहीं करेंगे क्योंकि ये भी आपका प्रनाउन के तौर पर यूज हो जाता है और ये भी आपका प्रनाउन हो जाता है वो देसी कहावत मेरी याद करो दो एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर देट ऑफ को हटा लो द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन योर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा योर्स हो जाएगा समझ रहे हो ना ओके, गेटिंग माई पॉइंट ये बात सबको बतानी है मुझे पता है लेकिन मैं बार बार नहीं कहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चे अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करना सीखें बच्चे किसी के सहारे ना रहे बच्चे मेहनत करना सीखें और मेहनत करो बच्चा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ध्यान से समझना माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैप कम तो देखो मेरे फ्रेंड की डॉटर इन लॉ आ चुकी है तो यहां पर देखो क्या करोगे जवाब आप लोग दे सकते हो नाउन इन केस से बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और आप सब लोग जानते हो डॉटर इन लॉ का अगर प्लूरल बनाएंगे तो हमने एक ट्रिक बताई थी कि बड़े वाले के साथ एस लगाते हैं डॉटर इन लॉ में बड़ा कौन है डॉटर लिखने में बड़ा है जो लिखने में बड़ा है ना उसी के साथ एस एस का यूज करते हैं जो लिखने में बड़ा है उसी के साथ हम एस एस का यूज करते हैं तो यहां पर डॉटर्स इन लॉ होगा लॉ में एस एस नहीं लगेगा

है कुछ पेपर में आज के पेपर में बताओ जरा कुछ भी लग रहा है कि कुछ है टफ पेपर में सब ऐसी चीजें धुएं में उड़ाया होगा आपने धुआं धुआं करके आए होंगे सब आप चलो आगे की बात करें अगला क्वेश्चन है डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्फ तो यहां पर बताओ प्रपोजिशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया एक और क्वेश्चन प्रेपोजिशन से रिलेटेड आ गया जरा इसका भी जवाब देते जाओ करो कोशिश यहां क्या करोगे और सिनोनिम एंटोनिम की तरफ भी बस चल रहे हैं उस पर भी चल रहे हैं जरा इस क्वेश्चन का जवाब दे दो फिर आगे बढ़ते हैं मजा आ रहा है ना बाबू एक बार शेयर करो मुझे मजा नहीं आ रहा यह सिलसिला अगले दो मिनट में 600 लोग होने चाहिए 500 लोग देख रहे हैं ना 100 लोगों को और जोड़ो उन एयरफोर्स वालों को भी जोड़ो जिनका आगे आने वाले समय में एग्जाम है उन नेवी वालों को भी जोड़ो उनके लिए बैच की भी बात करते हैं जोड़ो बच्चों को एक बार सब लोग जोड़िए बच्चों को और डिस्पोज के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता डिस्पोज के साथ छोटा वाला प्रपोजिशन आता है ये बड़ा वाला ऑफ नहीं आता एक बार जोड़ो सभी बच्चों को सब लोग एक बार बोलो जय हिंद और सब लोग जोड़ो बच्चों को ठीक है चलिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में आगे की चीजें आपके सामने आएंगी एंटोनिम्स के क्वेश्चन है सबसे सटीक सबसे तेजी से और सबसे सटीक सबसे सही एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है ही नीडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग तो थ्रू आउट सॉरी एबसेंट का आपको बताना है अपोजिट क्या होगा एबसेंट का भाई एबसेंट का अपोजिट पूछा गया प्रेजेंट ऑप्शन आता तो धन्य से जवाब देते एब्सेंट का अपोजिट देखो मैं सिर्फ मेहनत पे विश्वास करता हूं और अगर मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं तो क्वेश्चन पेपर में आएंगे यह नहीं है कि ईद का चांद महीने में एक बार महीने में दो बार आया पढ़ाया चला गया रोज मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे पता है हर रोज जिस रास्ते पर हम चलेंगे उन रास्तों को हम आसान बना सकते हैं एक्स और बाई ग्रुप का भी सेशन चल रहा है ठीक है एक्स और बाई ग्रुप वाला भी सेशन चल रहा है बस आप लोग रेगुलरिटी रखो मैं ये नहीं कहता कि एक दिन आओगे और मैं सिखा दूंगा रेगुलरली देखो एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित तो अलर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं जो इंसान तैयार रहता है हर चीज के लिए कैसा रहता है जो इंसान हमेशा तैयार रहता है बेटा जूम क्या है कि पेपर टाइप कराने का मौका मुझे नहीं मिला इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लो और इसका पीडीएफ आपको हम दिलवा देंगे तो एबसेंट का एबसेंटली का जो आपका एंटोनिम हो जाएगा वो अलर्टली हो जाएगा क्या हो जाएगा अलर्टली हो जाएगा ठीक है समझ गए ना चलिए आगे की बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन है एजुकेटेड का एंटोनिम बताना है किसका एजुकेटेड का एंटोनियम पूछा गया और एजुकेटेड का मतलब होता होता है जो जानकार से दूरी बनाए रहता है जो चीजों से दूर भागने की कोशिश करता है उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा इग्नोरेंट हो जाएगा ठीक है थोड़ा इनको जल्दी कर लो दिक्कत तो नहीं है ना क्योंकि ये आसान है मुझे भी आप सबके लिए आगे की प्लानिंग करनी है आगे की चीजें सीखनी आपके लिए तैयार करनी है तो देखो अगला है इंपॉर्टेंट का होता है ट्रिब्यूअल ये होता है महत्वपूर्ण और ये हो जाता है ट्रिब्यूल जिसको हम कम महत्व दें महत्वहीन कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसके लिए महत्व इसके लिए यूज कर सकते हैं ठीक है ओके फोर्स का सुबह बजे से स्टार्ट हो जाता है तो वो बैच भी आप लोग देखा करें जरूर आया करें सब लोग आया करें ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और जो भी आपके सवाल रह जाए ना प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरा पूरा ध्यान है आपके पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराने पे बाबू मूव का पूछा गया है कि मूव का एंटोनिम क्या होगा का क्या होगा भाई अभी भी ये 500 सौ लटके हुए हैं इनको थोड़ा पुषप करो थोड़ा बढ़ाओ इनको ये 500 से 600 तमाचा लग रहा पहुंचाओ ये अगर कम रहोगे तो, तो रेगुलरिटी पे तमाचा मत लगने दो। एक बार शेयर कर लो सब लोग फिजिक्स का भी बताएंगे सभी टीचर्स बताएंगे देखो मूव का मतलब होता है चलना तो स्टॉल कर देते हैं एक जगह पर स्थिर होना क्या कर देते हैं स्टॉल का मतलब हो जाता है स्थिर रोटेट घूमना पुश माने होता है धक्का करना फ्लो का मतलब होता है बहना तो स्टॉल का मतलब हो जाता है रुकना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये कह रहा है एक्सप्रेस का आपको बताना है अपोजिट एक्सप्रेस का मतलब होता है हम अपनी बात आपसे कह दें एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है हम अपनी बात आपसे कह दें पूरा पेपर हो जाएगा इसके बाद केमिस्ट्री वाले सर आएंगे ज्योग्राफी वाले सर आएंगे फिजिक्स वाले सर आएंगे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो भी आएंगे सब कुछ मिल। समीर सर के केमिस्ट्री में से अठारह में से सत्रह क्वेश्चन आए हुए हैं समझ रहे हो ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार सबके लिए सबने मेहनत की और सबको मेहनत का फल मिला है तो एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना और कंसील का मतलब होता है छिपाना ये कैंसिल नहीं लिखा है ये कंसील लिखा है और कंसील का मतलब होता है छिपाना ले भाई पच्चीस क्वेश्चन सॉल्व हो गए आगे बढ़ते हैं और है इसमें कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ ये पैंतीस आ गया पच्चीस के बाद डायरेक्ट बाबू परेशान मत होना 27 मतलब छब्बीस उड़ गया कहीं छब्बीस का देखते हैं यार कहा है ये है है नीचे थोड़ा सा मोटा हो गया वार्मर यार क्या ही क्वेश्चन पूछा है क्या मजाक किया आपके साथ वार्म का पूछा जाता आप तुरंत कोल्ड कर लेते कहा है कोल्डर ये रहा वार्म का क्या हो जाएगा कोल्डर वार्म मतलब गुनगुना गरम तो कोल्डर हो जाता है ठीक है ओके समझ गए ना चलिए आगे की बात करते बाबू अभी पेपर सॉल्व कर लेने दो आपके सारे सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दे, दे देंगे या जाने से पहले आपके सभी सवालों के जवाब देकर जाएंगे आप परेशान मत हो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन यहां पर इसका भी एंटोनिमी बताना है आपको तो साइंटिस्ट आर कंसर्न वेदर द ओशींस एंड लैंड बायोस्फियर विल टेक अप एज मच कार्बन इन द फ्यूचर इन दाय प्रेजेंटली डू जो भी हो तो यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें आपको बताना है कंसर्न कंसर्न Concern का मतलब होता है चिंतित जब हम किसी चीज की चिंता करते हैं और एक इंसान को कहते हैं इनडिफरेंट जिस पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता कोरोना आए जाए फैले ना फैले मास्क नहीं लिया सैनिटाइजर नहीं लिया ऐसे इंसानों को कहते हैं इनडिफरेंट क्या कहते हैं उदासीन मतलब ही नहीं बनता एक कोने में मेढक की तरह पड़े हुए हैं कुछ ऊपर जम जाए वो भी चलता है अगला क्वेश्चन देखो आसान है डिबेट डिबेट का मतलब क्या होता है हम किसी चीज को जल्दी स्वीकार न करें उसके लिए लगातार बहस करते जाएं क्या करते जाएं बहस करते जाएं तो डिबेट का मतलब होता है एग्रीमेंट तुरंत सहमति बना लेना मैंने कुछ बोला आपने मान लिया तो डिबेट का एंटोनियम क्या हो जाएगा एग्रीमेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की और इसमें आपको पूछा गया है सेंसिटिविटी का एंटोनियम ये अगर आप लोग टीवी देखते हो ना तो टीवी में दांतों का पेस्ट का एड आता है ना हाँ, सेंस, वाला और उसमें बताते हैं दांतों में सेंसिटिविटी है भैया सेंसिटिविटी का अपोजिट हो जाता है संवेदनशीलता इम्रीवियसनेस मतलब ध्यान ही ना दे दांत आपके ऐसे हो जाए देखे ना जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत ही नहीं होते हैं उनके लिए इस वर्ड का यूज हम लोग कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे आपके क्योंकि ये आंसर की बताने वाला सेशन है जहां पर आज शाम तक ही आपको पता चल जाएगा एक घंटे बाद कि आपके कितने एग्जाम में नंबर आए हुए हैं भैया ह्यूज का पूछा गया कक्षा छे में पढ़ते थे तब के वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था जो एनुअल एग्जाम होते हैं ना ये ह्यूज वर्ड पूछा गया था उस टाइम बड़ा टफ लगता था आज तो बड़ा आसान हो गया ह्यूज का हो जाएगा टाइनी क्या हो जाएगा टाइनी ह्यूज मतलब, मतलब बहुत बड़ा और टाइनी मतलब बहुत छोटा जूम कर दें 25 में 19 क्या बात है वेरी गुड और एयर फोर्स में भी 20 में 20 मिलेंगे पिछली बार 17 आए थे ना इस बार 20 में 20 मिलेंगे और नेवी में 25 में 23 24 तो रखे मिलेंगे आपको चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 31 थर्टी है थर्टी इधर होगा बाबू जूम का थोड़ा सा आप मैनेज कर लो चश्मा चश्मा एक्स्ट्रा लगा लो क्योंकि तो पेपर सॉल्व करने पेपर टाइप करने का टाइम नहीं मिला क्वेश्चन नंबर थर्टी वन और ये पी क्यू आर सी आर इतना आसान पूछा गया है बस इसी में थोड़ा टाइम लगा होगा इसी में टाइम लगा होगा देखो सेवरल एगो मैंने कितनी बार कहा था जब कोई सेंटेंस किसी के नाम से स्टार्ट हो जाए तुरंत उसको पहला कर देना सेवरल इगो में कोई नाम नहीं यहां पर भी बाद में नाम आया किसी व्यक्ति का नाम ये रहा मतलब आर पहला ये नहीं ये नहीं और ये भी नहीं तो आर से कोई नहीं है क्या हमें तो ऑप्शन आर से एक भी नहीं दिख रहा हमें तो आर से एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा भाई क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है थर्टी वन में पी से स्टार्ट हुआ अच्छा ठीक है बिल्कुल सही ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम इससे सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होता है लेकिन अगर इसको पहले रख दो तो कॉमा लगा देते हैं जैसे हम कर देते हैं नाव अडेज वी आर टीचिंग इंग्लिश नाव अडेज वी आर वर्किंग हार्ड तो सेवरल इयर्स एगो से स्टार्ट होगा पी से ये स्टार्ट हो गया अब सेवरल एगो आपका एडवो ऑफ टाइम हो गया इसके बाद चाहिए नाउन क्या चाहिए नाउन होता है क्या जब किसी के नाम की बात करें तो ये देखो आपका प्रॉपर नाउन आ गया मतलब हमारा तो आंसर पी आर एस हो गया क्या हो गया पी आर एस ये देख लो थोड़ा सा ये देख लो रोज दस बजे रोज सुबह दस बजे ठीक है ये रहा आपका अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू ये रहा ये भी आसान ही है ज्यादा टफ नहीं है ये भी इसमें भी काफी आसान चीजें ही रखी गई हैं आपके सामने ये कह रहा है कि आई रियलाइज दैट आई रियलाइज दैट द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग विल बी मच हार्डर इसको पता कैसे पहचानो मच हार्डर के बाद ही तो देन आया होगा ध्यान से समझना जो मैं लॉजिक बता रहा हूं जो एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाली चीजें हैं बिना टाइम लगाए सॉल्व होने वाली चीजें आप सब लोग जानते हो मच हार्डर के बाद ही तो देना है होगा मतलब आर और क्यू का पेयर बना है कहाँ है आर और क्यू का पेयर यहां है न यहां है न यहां है नहीं ये आर क्यू का पेपर बस सॉल्व हो गया पूरा सेंटेंस पढ़ने के लिए जो कहता है उससे पूछो अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो सॉल्व कब करेंगे टाइम निकल जाएगा फिर सॉल्व कब करोगे ये ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं और ये तरीके आपको रेगुलरिटी के साथ मिलेंगे ऐसा नहीं है कि एक दिन आए और मैंने आपको बंपर योजना के साथ सिखा दिया और चलेंगे फिर आप। रेगुलर बुआ आना पड़ेगा आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने है आल्डो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सेटेलाइट मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर एटमोस्फियर शुड जनरली ट्रैक द सॉरी सरफेस टेम्परेचर वी मस्ट बी केयरफुल ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जिसने आपको थोड़ा सा उदास किया होगा थोड़ा सा हताश किया होगा थोड़े से आप निराश हो गए होंगे क्यों क्योंकि इस क्वेश्चन ने चैलेंज दिया होगा आपको देखो आप सब लोग जानते हो जब भी हम किसी सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं ऑल्दो को बीच में तो नहीं देखा ज्यादातर जा, देखा होगा आपने अगर ऑल्दो को देखा होगा तो ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट ही होता है क्या होता है ऑल्डो अगर देखा होगा तो ऑल्दो से सेंटेंस आपने स्टार्ट देखा होगा तो इसका मतलब है कि पी हमारा पहला है यहां पे पहला कौन है पी अब पी के बाद देखना है कि पी के बाद क्या आएगा ऑल्डो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द के बाद हमें कोई नाउन चाहिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा या एटमोस्फियर शुड भी देखो ये जो आया हुआ है ना कि अगर ऑफ देंगे तो दो दो ऑफ हो जाएंगे और दो दो ऑफ हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा तो सही क्या होगा सब्जेक्ट मिला उसके बाद हमें मिल जाएगा क्या उसकी एडिशनल चीजें तो क्या हो जाएगा पीएस क्यू आर हो जाएगा क्या हो जाएगा पीएस क्यू आर आपका सही जवाब है इस पर थोड़ा ध्यान रखना ठीक है ओके चलिए आगे की बात करते हैं बाबू जूम हम कर देंगे इस इसमें जूम कर देंगे आप लोग भी थोड़ा करते रहो ठीक है आप लोग भी थोड़ा सा करते रहो। बच्चे हो तुम चलो भैया जूम कर दिया ये आपसे कह रहा है एलिमेंट हिट्स इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर ग्लोइंग लाइक डार्क ऑरेंज द विजिबल रेंज क्वेश्चन थर्टी फोर देखो थर्टी फोर क्या कह रहा है इवेंचुअली से स्टार्ट होगा नहीं ये सेंटेंस ग्लोइंग से स्टार्ट होगा नहीं द दिवस रेंज से स्टार्ट हो सकता है हो सकता है है क्या द रेंज उसके बाद कहीं ऑफ नहीं है. अगर द विजबल रेंज आया तो ऑफ होता तो मैच से स्टार्ट कर सकते थे इसका मतलब है ये सेंटेंस भी पी से स्टार्ट हो रहा तो क्या हो जाएगा द एलिमेंट हीट्स अप एलिमेंट कोई भी हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है ये एलिमेंट कोई भी हो उसमें क्या होता है एलिमेंट कोई भी हीट करता है कब हीट करता है जब हम लोग क्या करते हैं ग्लोइंग अ डार्क ऑरेंज एंड वो जब हीट पे होता है तो कैसा दिखता है एकदम ऑरेंज की तरह दिखता है डार्क डेट रेडिएट्स फिर क्या होता है रेडिएट्स द विजबल रेंज इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर जैसे जैसे वो हाई टेम्परेचर पे पहुंचता जाता है वैसे वैसे उसकी जो प्रदीप्ति है जो उसकी ज्वाला है वो बढ़ती चली जाती है तो पी आर एस क्यू आपका सही जवाब होगा पी आर एस क्यू वेरी गुड भैया सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही नजर आ रहे हैं इन सब का सिलेक्शन भैया हमें नजर आ रहा है और आप लोग पॉजिटिव रहना आध क्वेश्चन भी अगर आपसे गलत हो ना तो उदास मत होना ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आएगा नहीं होगा फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा इसको जूम करने की कोशिश की है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ये ऑप्शन ये रहा आपके सामने थर्टी फाइव और थर्टी फाइव का जो आंसर है द टू पीपल आर्ग्यू बाइट वाई इज सो मच वार्मर देखो वार्मर के बाद क्या आएगा देन वार्मर के बाद क्या आएगा देन इसका मतलब है कि पी और एस का पेयर है इसका मतलब क्या है कि पी और एस का पेयर है मैं तो बस पेयर देखता हूं पी एस यहां है बस और कुछ मिलेगा ही नहीं पी और एस का अगर पेयर है क्योंकि बार बार आया वो कॉम्परेटिव है और कॉम्परेटिव के बाद चाहिए देन देन एक ही ऑप्शन में है वो एस में इसका मतलब पी और एस का पेयर बन रहा है और जब पी और एस का पेयर बन रहा है तो वो हमें कहीं और तो नजर नहीं आ रहा हमें केवल नजर आया ए में ये भी सही कर लिया आपने है ना आसान क्वेश्चन और इसीलिए कहते हैं घबराया मत करो परेशान मत हुआ करो एकदम उदास हो जाते हो ना वो मत हुआ करो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखो आर नाउ यूज बाई मोर देन अ थाउजेंड फार्म आर ग्रोइंग देखो ना सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा ना एंड से स्टार्ट होगा ना इन से स्टार्ट होगा ऐसे समझो इसको ना सेंटेंस आर से आर से स्टार्ट होगा ठीक है और नई सेंटेंस आपका एंड से स्टार्ट होगा नाइन से स्टार्ट होगा एस से स्टार्ट होगा कितने ऑप्शन से नजर आ रहे केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है एस पी आर क्यू ये वो तरीके हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करना तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे साथ ही साथ आपके अंदर वो एबिलिटी लेकर आएंगे कोई भी पेपर उठा के देख लो आसानी से सॉल्व कर सकोगे ठीक है एक भैया आए हैं लुल महान क्या नाम है भाई साहब मजा आ गया आपको सैल्यूट है यार आपको सैल्यूट है चौवालीस करके आए हो दीपक यादव जहां तक मुझे पता है आप आते थे क्लास में लुल मान जी आपने पेपर दिया है नाम भाई बात साहब बहुत अच्छा है हमारे तो बच्चे हैं नहीं नहीं तो यही नाम रख लेते हैं आज हम चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन समीर सर सोच रहे हैं ये नाम रखेंगे <laughs> दस बजे से सुबह बटा अभी समझो नहीं अभी आंसर देखो समझने के लिए सुबह की क्लास में आना ठीक है देखो एडवर्सिटी विदाउट स्कम्बिंग टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन यही है क्वेश्चन मुझे पूरे पेपर में कोई नजर नहीं आया सबसे टफ क्वेश्चन यही था इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कैसे सॉल्व करोगे नाम 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 एक एक में में दिया दिया गया गया हम तो नाम देखते हैं नाम बेकन एक में दिया गया। मतलब एस में है तो वो एस से स्टार्ट हो जाएगा एस आर पी क्यू बस खत्म जितना टफ क्वेश्चन उतना ही आसानी से हम सॉल्व करवा देते हैं उसको जितना टफ क्वेश्चन आपको नजर आएगा ना उतना ही आसानी से हम सॉल्व करा देंगे उसको बस हो गया खत्म कुछ नहीं था इसमें चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हो गया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट की ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखो रटना नहीं है अगर रटने से बचना है तो रेगुलर आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे रेगुलर आके आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट चलो इस पर नजर डालो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट बेटा पेपर में क्वेश्चन आते हैं पचास क्वेश्चन आते हैं एनडीए के पेपर में पचास क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन चार नंबर का होता है तो पचास में चार का गुणा कर लो दो सौ नंबर का पेपर हो गया ठीक है हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये कह रहा है फ्रेंड्स विदाउट Without... क्या लिखा है यार मेरे को भी नहीं दिख रहा क्योंकि इधर बोर्ड पे क्लियर इतना नहीं दिख रहा जितना उधर क्लियर दिख रहा है तो बाबू एक बार बताइएगा क्या लिखा हुआ है उसमें दिख रहा है लेकिन ये अच्छी बात है बाबू क्लियर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं 38 का आंसर मैं बता दे रहा हूं ये क्लास में भी क्लियर नहीं दिख रहा 38 का आरक्यू पीएस है 38 का क्या है सी आंसर है आरक्यूपीएस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ठीक है कोई बात नहीं अगर एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आप परेशान ना हो 39 और 40 बहुत ही आसान क्वेश्चन थे पेपर के सबसे आसान क्वेश्चन थे थर्टी नाइन और फोर्टी मैं इनका भी आंसर बता दे रहा हूं मैं कल इनको टाइप करा के आपको बता दूंगा ठीक है थर्टी नाइन और फोर्टी इसको जो मैंने सॉल्व किया है आरक्यू पी एस थर्टी नाइन का भी आरक्यू पी एस है और फोर्टी की बात करें तो फोर्टी का है आर एस क्यूपी ये मैं अभी आपको केवल आंसर बता रहा हूं अगर आपको क्वेश्चन इनके जानने हो इनका कॉन्सेप्ट जानना हो तो प्लीज लेट मी नो क्लास में आइएगा क्योंकि ये थर्टी नाइन और फोर्टी बहुत ही आसान क्वेश्चन थे नेक्स्ट आपके सामने फोर्टी बन है और इसमें आपको बताना था कि सिनोनिम क्या होंगे तो इनके सिनोनिम बताइए सिनोनिम बताना है आपको सिनोनिम देखो बाउंस बैक का आपसे पूछा गया सिनोनिम और इसमें थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हुआ यह भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने कंफ्यूज किया होगा तो हम कह सकते हैं कि बाउंस बैक का मतलब क्या होता है

क्रियान्वित करना तो इसका अपोजिट सॉरी सिनोनिम अकमप्लीश हो जाता है मतलब किसी काम को करना क्या हो जाता है अकमप्लीश किसी काम को करना बाबू 2021 के लिए भी करेंगे ये नहीं था कि 2020 में ही टीचर बने हैं हमेशा जब-जब आपके घर परिवार मोहल्ले गांव गली में आपके बच्चे भी एग्जाम देंगे ना तब भी पढ़ाते हुए पाए जाएंगे इंग्लिश बस उस टाइम आवाज में इतनी दम ना हो शायद लेकिन आप तब भी पढ़ाते हुए पाए जाएंगे इकोनॉमिटी Economity का मतलब होता है जब हम किसी काम को कैसे करते हैं बहुत मिलजुल कर करते हैं लोगों के साथ मिलजुल कर करेंगे उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं ठीक है एग्जीक्यूट का हो गया था उसके बाद फोर्टी 45। फाइव 45 में आया था आपका इक्निमिटी जिसका मतलब होता है किसी काम को लगन और मन से करते हैं तो पेशेंटली कर लेंगे क्या हो जाएगा पेशेंटली हो जाएगा ओके बाद में आगे बात करते हैं पेपर भी बता देना भाई कैसा आया था अब तो ट्रस्ट हो गया होगा ना कि हमारी टीम ने कहा था कि आपको करके दिखाएंगे और वो करके दिखा दिया फ्यूटाइल क्लासेस में कराया हुआ क्वेश्चन है फ्यूटाइल इसका भी आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा और फ्यूटाइल का मतलब होता है पॉइंटलेस जो फालतू की बेकार चीज होती है उसके लिए यूज करते हैं उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी की कनिंग कनिंग का मतलब होता है जो बहुत ही धूर्त और चालाक इंसान होता है उसके लिए यूज करते हैं लोमड़ी के लिए तो इंटेलिजेंट इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं द डिसीजन इन क्रूशियल फॉर मी और क्रूशल की बात करें तो इसका अपोजिट सॉरी सिनोनिम मोमेंटस हो जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें द मीडिया वेंट अ फ्रेंजी फ्रेंजी का मतलब होता है कि मन में जो आए वो बता दें और ये क्वेश्चन हमारे मैथ्स वाले जो सर है ना मोहित सर उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मैं बैठा सोच रहा था क्या होगा क्या होगा और उन्होंने बता दिया था तो इसका हो जाएगा वर्स सर क्या हो जाएगा वर्सर जिसका मतलब होता है हम कहते हैं ना खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे एक मूवी भी है बस वही इसका मतलब है जो मन में आएगा वो बोल देंगे अंतिम क्वेश्चन एनडीए 2020 का और एक इतिहास रचा आपने और उस इतिहास की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा मतलब तो उसे कह सकते हैं क्या कहते है? हैं आपको याद होगा एक हमने वर्ड बताया था क्या बताया था वर्ड बताया था अभी अपनी क्लास को देख रहे हैं साढ़े पांच सौ लोग और मैं चाहूंगा एक बार जय हिंद बोल के पूरा जोश लगा करके पूरी जान लगा दीजिए और समीर सर आए उससे पहले कम से कम साढ़े छह सौ बच्चे पर दिखने चाहिए तो समीर सर का स्वागत करते हैं लेकिन मैं भी अपने मोबाइल में एक बार देखूंगा इस सेशन को और समीर सर का स्वागत करेंगे आइए समीर सर क्या बात है बच्चों ने बढ़ाए हैं एक बार और कोशिश करो जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर ले सर लगाओ क्वेश्चन मैं शेयर करवाता हूँ लगाओ सर के सामने सर के डोले सोले देख के ना ज्यादा बच्चे होने चाहिए मैं तो अच्छा पतला दिखता हूँ दुबला पतला हूँ तो ठीक है यार मेरे में कम आ जाए लेकिन सर के लिए साढ़े छह सौ बच्चे लेके आई है मेरा तो हम पेन ड्राइव में लाए थे मेरे पास केवल इंग्लिश की थी वेरी गुड अब एक बार जोर लगा दो सब लोग ठीक है और रेगुलर क्लास लिया करो जहां भी पढ़ो जैसे भी पढ़ो रेगुलर पढ़ो बिना छुट्टी के पढ़ना है ठीक है ओके आप सब जय हो मजा आ जाएगा भाई भेज दो पेपर भेज दो भाई भेज दो पेपर क्या बात है ओके ऑल द बेस्ट सर कैसे हो बबुआ सही हो ना मजा आ गया पेपर में सच में केमिस्ट्री में जितने भी आपके अठारह क्वेश्चन आए हैं ना उनमें से सत्रह क्वेश्चन डिट्टो आपके क्लास से है बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लास से हैं और कल आपकी हमने एक शाम को जो टिप्स वाली क्लास ली ली, थी ना जिसमें हमने कहा था टिप्स वाली क्लास में कि तीन मन में क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्वेश्चन आ सकते हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं विनेगर वाला हमने कहा था सिरका वाला आपसे पूछा जाएगा विनेगर का है ना विनेगर वाला यानी सिरका वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विनेगर वाला सोडियम कार्बोनेट वाला ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो हमने कल आपको टिप्स वाली क्लास में बताए थे तो अभी हम देखेंगे है ना अभी आपको दिख जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो तो मैं यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग है ठीक है तो उस ऑर्डर को हम एक बार चेक कर लेते हैं तभी जल्दी से सभी लोग शेयर करो क्लास को केमिस्ट्री के सभी सही क्वेश्चन किसने किसने किए हमें ये बताइए है ना जल्दी से बताइएगा केमिस्ट्री के किसने किसने क्वेश्चन सही किए तो यहाँ पे एक ऑर्डर में नहीं है क्वेश्चन बस मैं ओपन करके आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बताऊंगा सबसे पहले ये देखो ये 98 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से 98 नंबर क्वेश्चन तो कल ही हमने बताया था जो टिप्स वाली क्लास थी ना शाम को हमने कहा था विनेगर से आपका जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल से पूछा जाएगा और हमने कहा था वॉशिंग सोडा से पूछा जाएगा जिसका न, मतलब होता है आपका Na2CO3 है ना तो ये आपका बिनेगर आपका ये देखो रखा है क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आपका बिनेगर का ये रखा हुआ क्वेश्चन था बताइए इसमें आपने क्या सही किया था तो आपका जो आंसर था यहाँ पे सिरका बिनेगर है ना इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं क्योंकि एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल यही होता है सी सी डबल ओ एच सी एच थ्री सी डबल ओ एच यही होता है आपका एथेनोइक एसिड और इसी को हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं जिसका इस्तेमाल किसको बनाने में किया जाता है सिरका को बनाने में किया जाता है विनेगर को बनाने में किया जाता है ठीक है आप में से जितने भी जितने भी स्टूडेंट कल देख रहे थे उन सभी स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन अगर कल टिप्स वाला आपने क्लास ली होगी तो ये क्वेश्चन आपको करवाया था हिंदी में मैं बता देता हूं यहाँ पे अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए तो मैं कल आपको प्रॉपर उसके में टाइप करवा के हिंदी इंग्लिश में करवा दूंगा ठीक है अभी आप समझ लीजिए 98 नंबर का जो क्वेश्चन था बिनेगर उसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर था ठीक है इसको आप सही कर लीजिए बिनेगर का मतलब होता है सिरका और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसे हम एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं सी एस थ्री सी डबल होता है ठीक है आगे करते हैं बात को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो कौन सा हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पे ढूंढते जाइए केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ठीक है फिजिक्स का क्वेश्चन फिजिक्स वाले सर करा देंगे आपको तो यहां पे एक एक करके देखते जाएंगे सभी लोग चलिए और कल आपको प्रॉपर करवा दिया जाएगा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना ये देखो डिट्टो क्वेश्चन डिट्टो क्लास में हमने दस बार कराया कम से कम चौक ये रहा चौक है ना नाइनटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए चौक और मार्बल इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए चौक और मार्बल कितने बार आपको क्वेश्चन करवाया बताइए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है 96 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए चौक और मार्बल जो संगमरमर होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट आपको 50 बार क्वेश्चन करवाया CaCO3 CaCO3 थ्री थ्री आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका आंसर आपका क्या था बी ऑप्शन आपका राइट right आंसर था ठीक है बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर था अब की बार जो आपका एनडीए का क्वेश्चन होगा ना अभी आपके 18 में से 17 क्वेश्चन बिल्कुल क्लास नोट से आए हैं जो हमने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी हमने लिमिटेड पढ़ाई थी केमिस्ट्री पूरा सिलेबस नहीं कराया था लिमिटेड केमिस्ट्री पढ़ाई थी और उसी लिमिटेड में से अठारह में से सत्रह क्वेश्चन आए हैं एकदम ठीक है जिन्होंने बराबर क्लास ली होगी उन्होंने बेहतरीन कर लिया होगा और मैं ये रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुशी है इस बात की खुशी है कि मैंने मतलब मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूं क्योंकि 18 में से 17 क्वेश्चन करना और केमिस्ट्री के आना बहुत बड़ी बात है ठीक है तो आपका मजा आ गया मुझे बड़ा खुशी हो रही है इस बात की चलिए तो आपका ये नाइनटी का आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है ना और देखते हैं ढूडो केमिस्ट्री का ये देखो पचास बार क्वेश्चन करवाया हुआ है ना यहाँ पे बोला है था नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन शेल जो एन शेल एन कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने भरे जाते हैं बताइए हम अगर बात करें के शेल की एल शेल की एम शेल की उसके बाद में एन शेल की तो टू एन स्क्वायर ये रूल होता है इस रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं है ना बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग टू एन स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो के शैल में दो भरते हैं क्योंकि एन की वैल्यू के शैल के लिए वन रख दे यहां पे तो टू आ जाएगा एल शैल में आठ इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्योंकि एल शैल के लिए एन की वैल्यू टू रख दीजिए यहां पे दो दूनी चार दूनी आठ है ना शेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्योंकि एन की वैल्यू आप तीन रख दीजिए एन शेल के लिए तो तीन का नौ दूनी अठारह और एन शेल में हम बत्तीस इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं क्योंकि एन की वैल्यू चार पुट कर दीजिए यहाँ चार को सोलह दूनी बत्तीस तो आपका जो आंसर था वो क्या था डी ऑप्शन आपका यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 97 का डी ऑप्शन आपका राइट right आंसर था ठीक है 97 का आंसर क्या था डी ऑप्शन एन सेल में देखो कितने बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए एकदम है ना आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शेयर करो क्लास को भाई सभी लोग क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट देखते हैं वो फंस जाते हैं इधर उधर पढ़ने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं डर की वजह से कुछ भी नहीं है आप अगर यूट्यूब से सारी क्लासेस ले लेते तो भी आपका बेहतरीन स्कोर हो जाएगा ठीक है चलिए 97 के बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरोप्रोपेन बताओ ये वाला क्वेश्चन यार कितने बार मतलब बिल्कुल शानदार क्वेश्चन क्लोरोप्रोपेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है सोजी सह बंद पूछ लिए बताओ क्लोरोप्रोपेन क्लोरोप्रोपेन का सूत्र कैसे बनता है स्ट्रक्चर तीन कार्बन तीन कार्बन लगेंगे यहां पे तीन कार्बन तो पहले हम प्रोपेन बना देते हैं ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर है ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है बाबू हमने आपको एप पर कराई है क्लास में जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड कराया था आपको अगर याद हो तो प्रोपेन का हमने सूत्र बनाया था प्रोपेन के सूत्र में यहां पे जो हाइड्रोजन थी इस हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या लगाया था एक क्लोरीन लगा दिया था क्या लगा दिया था क्लोरीन तो ये क्या बन जाता है क्लोरोप्रोपेन बन जाता है क्लोरो प्रोपेन बन जाता है अब इस क्लोरोप्रोपेन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछे गिन लीजिए कुछ भी नहीं था बच्चों वाला क्वेश्चन एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस दस कोवेलेंट बॉन्ड है सीधे सीधे दिख रहे हैं कितने कोवेलेंट बॉन्ड है क्लोरोप्रोपेन में दसो क्लो कोवेलेंट बॉन्ड है दस यौगिक है कितने मजेदार क्वेश्चन एकदम है ना सबका आंसर सही होना चाहिए आपका डी ऑप्शन राइट आंसर था डी ऑप्शन आपका राइट आंसर था ये हमने कराया है है ना क्या हुआ? सही आपका डी ऑप्शन 10 आंसर हो गया आंसर सही अब इसके अलावा देखो आपका और क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो एकदम प्रेम भरा क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट यहां पे किसी तत्व की सबसे फंडामेंटल आधारभूत करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है बताइए आधारभूत करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है तो जो 59 है 59 का आंसर एटॉमिक नंबर हो जाएगा क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक को हम एटॉमिक नंबर को सबसे फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक मानते किसी तत्व की किसी तत्व की किसी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक को सबसे फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक यानी आधारभूत इकाई या आधारभूत हम गुण मानते हैं बस सिंपल 59 का आपका बी ऑप्शन था क्या आंसर था बी और ये वाला देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन न्यूट्रॉन की खोज किसने की हमने ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज एक साथ लिखवाई थी आपको न्यूट्रॉन की खोज किसने की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज एक साथ लिखवाई थी न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने की थी 1932 1932 में में कब की 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 थी ने की थी थी जेम्स जेम्स चैडविक चैडविक ने ने बताओ ना सिक्सटी का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था ठीक है 60 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था इसके अलावा देखो यहां पे एटॉमिक मास किसके बराबर होता है कई बार फॉर्मूला लिखवाया हमने है ना एटॉमिक मास का मतलब परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है आपकी एटॉमिक मास तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर यहां पे क्या था बी ऑप्शन था बताइए बी ऑप्शन आपका राइट right आंसर था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए तो आपका मास नंबर मिल जाता है द्रव्यमान संख्या मिल जाती है इसके अलावा देखो यहां पे इसके अलावा इधर है कुछ क्वेश्चन इधर है कुछ क्वेश्चन ये वाले देखो है ना ये रहा आपका एक क्वेश्चन ये दिया गया था सिक्सटी टू का आंसर देखो सिक्सटी टू कितना प्यारा क्वेश्चन है यहां पे वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अब ये हमें यहां पे दिख नहीं रहा है इज यूज क्या लिखा है एलिमेंट्स आइसोटोप लिखा है शायद वन ऑफ द द फॉलोइंग एट एलिमेंट्स आइसोटोप इज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आपको साफ दिख रहा होगा लेकिन मुझे साफ नहीं दिख रहा है यहां से है ना तो यहां पे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोवॉल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं कोवॉल्ट का एक आइसोटोप होता है कोवोल्ट 60 जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 60 होता है तो कोवोल्ट 60 का आंसर आपका राइट right आंसर हो जाएगा कोवोल्ट यूरेनियम का ना यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं यूरेनियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में ठीक है आपका आंसर यहाँ पे क्या था और आयोडीन के आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं घेंगा रोग में जो घेंगा रोग हो जाता है ना यहाँ पे सूज जाता है जैसे ग्वाइटर बोलते हैं तो उसमें आयोडीन के आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं कोबोल्ट सिक्सटी आपका राइट आंसर था कोबोल्ट सिक्सटी जो था कोबोल्ट का एक आइसोटोप होता है जिसका द्रव्यमान संख्या सिक्सटी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में ठीक है तो जिसका बी ऑप्शन था वो राइट आंसर था आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखिए यहां पर इसके बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन है मैम कराएंगी आपको है ना और देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहां पे है केमिस्ट्री का क्वेश्चन ढूंढिए मेरे दोस्त केमिस्ट्री का क्वेश्चन ढूंढिए कहां पे है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना इतने हो गए अठारह क्वेश्चन थे पूरे एटीन और एक क्वेश्चन चार नंबर का बताओ कितने गजब का स्कोरिंग था बिल्कुल आप लोग जबरदस्त आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हो जबरदस्त स्कोर कर सकते हो आप लोग जाना नहीं सभी लोग देख के जाना ठीक है अभी आपके हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं प्रॉपर आपको कल आपको हम इन इनको करके दे देंगे अब ये बच्चे ने इतनी हमें भेज पाई थी हाँ ये रा ये ये दो क्वेश्चन देखो ये दो क्वेश्चन है है ना ये आप में से किसी एक ही बच्चे ने भेजी है आप में से किसी एक बच्चे ने भेजी है तो जैसी मिल पाई पीडीएफ वैसी हम आपको करा दे रहे हैं ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाज द मिनरल एसिड डिस्कवर्ड फर्स्ट मिनरल एसिड कौन सा डिस्कवर हुआ है फर्स्ट यानी मिनरल का मतलब खनिज अम्ल सबसे पहला खनिज अम्ल कौन सी डिस्कवरी हुई थी कौन से खनिज अम्ल की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी तो आपको आंसर करना है सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिकम नाइट्रिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल बताइए इस क्वेश्चन को क्या करके आए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिकम क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल की खोज एटीन सेंचुरी में एक अलकेमिस्ट जाविर इब्न अहियान ने की थी किसने की थी जाविर इब्न जाविर इब्न हयान ने की थी जाविर इब्न हयान ने की थी कब एट सेंचुरी में एट सेंचुरी में ठीक है एट सेंचुरी में जाविर इब्न हयान ने की थी सल्फ्यूरिक अम्ल की डिस्कवरी एक अल्केमिस्ट थे एक रसायनज्ञ थे जो रसायन की विद्या का मतलब अध्ययन करते हैं रसायन का जो केमिकल का अध्ययन करते हैं उनको उस टाइम पे अल्केमिस्ट कहा जाता था क्या कहा जाता था अल्केमिस्ट कहा जाता था ठीक है आपका राइट आंसर क्या था ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका इसमें ए ऑप्शन, ठीक है चलिए इसके बाद यहां पे देखते हैं क्वेश्चन कौन था इसके बाद यहां 82 देखिए 82, 82 में देखिए क्या बोला इनकैसेट इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक बल्ब में कल ही बताया था हमने बल्ब को बना के भी दिखाया था हमने इमेजेस के साथ आपको बल्ब बताया था उसमें कहा था कि उसमें जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है टंगनस्टन धातु का हमने आपको बताया था किसका टंगनस्टन धातु को जिसको हम डब्लू से दिखाते हैं और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तीन हजार चार सौ बाईस डिग्री सेल्सियस होता है ये सब हमने महासंग्राम वाली क्लास में करवाए हैं सभी के सभी क्वेश्चन महासंग्राम वाली क्लास में और अग्निपथ वाली क्लास में मिल जाएंगे बाकी सभी क्लास देखने की जरूरत ही नहीं थी आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास में मिल जाएंगे ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे टंगस्टन हो गया था इसका आंसर है ना और ये फिजिक्स वाले क्वेश्चन फिजिक्स की मैम सर करा देंगे आपको और और हम देख लेते हैं हमारा कहां पे है वैसे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन करा देता आपको लेकिन मैम सर कराएंगे उन्होंने पढ़ाई आपको जबरदस्त तरीके से ठीक है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं और ये देखो कल चिल्ला चिल्ला के हमने आपको टिप्स में बताया था सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है 75 में बोला है इन्होंने कि जो कॉपर होता है कॉपर के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं कॉपर सल्फेट के साथ और सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और जिप्सम के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं तीनों का फॉर्मूला हमने पचास बार करवाया आपको है ना कॉपर सल्फेट को हम क्या लिखते हैं सीओ एसओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ कॉपर सल्फेट के साथ पांच वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं तो पांच हो जाएगा मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा ये ऑप्शन नहीं होगा या तो ए या बी ऑप्शन होगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या लिखते हैं हम लोग Na2CO3 कल टिप्स वाली क्लास में हमने कहा था कि वाशिंग सोडा इसी को क्या कहते हैं वाशिंग सोडा हमने कहा था वाशिंग सोडा का सूत्र याद रखना ये पूछा जाएगा देखो सीधा पूछा गया है वाशिंग सोडा कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं दस मॉलिक्यूल हैं तो इसका मतलब यही आंसर हो गया ए ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर है ना इसके बाद ये जिप्सम है जिप्सम का 50 बार सूत्र लिखवाया हमने कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट टू एच तो इसका मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल तो आ गई हम ही चेंज कर दिए सेल जाना नहीं पूरे क्वेश्चन करके जाना ठीक है चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं साउंड चली गई थी अब आ गई ठीक है ना जल्दी से बताइए अब आ गई ना हम सेल चेंज करने गए थे सेल गड़बड़ हो गए थे ठीक है ना अब बताइए जल्दी से सही है अब अभी भी नहीं आ रही साउंड जल्दी से बताइए अभी भी नहीं आ रही अरे बताओ यार जल्दी जल्दी से बताओ दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं हाँ ठीक है आ गई चलिए तो यहां पे आपका देखो इसे हम क्या बोलते हैं डीडीटी डीडीटी टी डी टी को बोलते हैं डाईक्लोरोनाइल डाई इथेन ठीक है डाइक्लोरोनाइल डाई इथेन इसमें क्लोरीन होता है और ये कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और you, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें क्लोरीन होता है तो दोनों इनऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिक है तो ये आंसर नहीं होगा बी आंसर भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक बोला दोनों ऑर्गेनिक नहीं है दोनों आपके कंटेन क्या क्लोरीन कंटेन करते हैं सही बात दोनों के अंदर क्लोरीन है दोनों के अंदर क्लोरीन है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर था सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था बताओ केमिस्ट्री कितनी सिंपल आई थी किसने छोड़ी केमिस्ट्री अमर सिंह यादव क्या करोगे केमिस्ट्री अगर आपने छोड़ दी 18 क्वेश्चन में से पूरे 17 क्वेश्चन मैंने जो महासंग्राम और अग्निपथ वाली क्लास ली थी उन्हीं में से डिट्टो क्वेश्चन है मेरे दोस्त तीन तो क्वेश्चन कल्ली वाले में जो टिप्स में मैंने ऐसे ही आपको हंसते खेलते बता दिए थे मन हमने कहा था आपसे कि मेरा मन कर रहा है कि एस्टिक एसिड और सोडियम और आपका वॉशिंग सोडा है ना एसिटिक अम्ल विनेगर सिरका यहां से क्वेश्चन आ सकता है करके जाना जिप्सम और वो देखो तीनों क्वेश्चन आए हैं ठीक है पता नहीं आप लोग क्या करते रहते हो है ना इतना शानदार पेपर आया कोई बात नहीं खैर अब की बार मत छोड़ना आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन ये देखो 74 का आंसर बताइए 74 और 78 भी कर लीजिए जल्दी से 74 क्वेश्चन पढ़िए 74 फोर एट नियरली सेवेंटी डिग्री सेल्सियस सोडियम बाई कार्बोनेट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेजुअली डिकम्पोजिंग विच मेक्स इट यूजेबल इन बेकरी प्रोडक्ट बेकरी प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्वेश्चन अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में मैं समझा देता हूं कि इन्होंने कहा है है जो सोडियम होता है, NaHCO3. NaHCO3 इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं ये आपका बेकिंग सोडा है क्या है खाने वाला सोडा इसको जब गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है इसका अपघटन होता है क्या होता है इसका अपघटन होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी वजह से जो केक होती है फूल जाती है केक होती है फूल जाती है मस्त एकदम आपका ए ऑप्शन आंसर था क्या आंसर था ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सी बात है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा को इसीलिए तो हम बेकरी प्रोडक्ट में डालते हैं केक में डालते हैं खाना में डालते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो फुला देती है केक को या ब्रेड को फुला देती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छेद करते हुए बाहर निकलती है तो फुला देती है एक्सपेंड कर देती है तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट right आंसर था है ना इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेसिकैंट डेसिकेंट का एग्जाम्पल डेसिकेंट का मतलब होता है एब्सॉर्बेंट यानी अवशोषक एक्सोर्बेंट का मतलब होता है अब जो

तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था सिल्का जेल आपका राइट आंसर था है ना? इसके बाद और देख लेते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन को इसके बाद केमिस्ट्री का ये वाला कराई दिया हमने और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं कहां पे है केमिस्ट्री का है ना बायोगैस ये देखो केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 85 85 को बताओ क्या करके आए आप लोग 85 को क्या करके आई ये स्क्रीन पर पढ़िए 85 नंबर के क्वेश्चन को इन्होंने कहा, क्या लिखा ये? एलिमेंट एक सेकेंड हमें इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें हमें दिख नहीं रहा है ठीक है इसमें मुझे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा वेट कीजिए एक सेकेंड का हमें इसमें आने दीजिए क्वेश्चन को Which वन ऑफ द फॉलोइंग ये क्या लिखा है कोई बताएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये क्या लिखा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा क्योंकि आपको दिख रहा होगा हमें नहीं दिख रहा है यहां से तो आप लोग बताइए ये क्या चीज लिखी है और यहां पे ए ऑप्शन में नजर आ रहा है बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बायोमास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमें इतना पता है बायोमास से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन दे रखा है ठीक है तो बायोमास की हमने आपको कई बार कराया क्वेश्चन है ना बायोगैस में कराया था ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो बायोमास बायोमास क्या होते हैं जितने भी बेस्ट मटेरियल होते हैं जितना भी बेस्ट मटेरियल होता है जो सब्जियों का बेस्ट होता है जो काउडंग होती है ना गोबर वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है जिससे ऑक्सीजन ना पहुंचे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो डिकम्पोज होता है उनका अवघटन होता है जिससे बायोमास बायोमासिकम्पोज होकर बायोगैस में परिवर्तित होता है यानी बायोगैस मिलती है ठीक है तो ये जो बायोमास होता है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बिल्कुल सही बात है रिन्यूएबल सोर्स का मतलब है इसे बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में इसे गोबर गैस भी कहते हैं जो बायोमास से जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं और बायोगैस को हम गोवर गैस के नाम से जानते हैं हमारे इंडिया में ठीक है और गोवर गैस इज प्रोड्यूस बैन काउडंग क्रॉप रेजिड्यू वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर अलाउड टू डिकम्पोज इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सही बात है जो गोवर काउडंग होता है गोबर जो होता है और जो क्रॉप यानी कि फसल की जो बची हुई पत्तियां होती है जो सब्जियां वगैरह होती हैं और जो सीवर का पानी सीवर का जो बेस्ट होता है मटेरियल उन सबको गड्ढे में डालकर किया जाता है यानी सड़ाया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो गोबर गैस मिलती है ये एकदम स्टेटमेंट सही है दोनों इसके बाद में बायोगैस जनरेशन रिड्यूस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन बिल्कुल सही बात है जो बायोगैस होती है ये मिट्टी के और पानी के प्रदूषण को कम करती है क्योंकि हम ये सारा बेस्ट एक गड्ढे में दबा देते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं सड़ाते हैं तो यह सॉइल में नहीं मिल पाती है वाटर में नहीं मिल पाती है जिससे यह प्रदूषण नहीं फैलाती है इतना। इसका मतलब सॉइल को और वाटर प्रदूषण को कम करती है कौन ये बायोगैस जनरेशन ठीक है तो सी भी आपका सही है लास्ट में डी दे रखा है हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो नहीं है लो तो है वेरी लो नहीं है यानी कि हीटिंग कैपेसिटी की जब बात करें बायोगैस की तो यह बैरिलो दे रखा है सबसे बहुत ज्यादा कम नहीं होती है कम होती है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होती है तो आपका यही आंसर हो जाएगा यही गलत दे रखा है यही गलत दे रखा है जिसने भी डी ऑप्शन किया होगा एकदम राइट आंसर है ठीक है जिसने भी डी ऑप्शन किया होगा एकदम राइट आंसर है अच्छा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ठीक है शाबाश ये चार स्टेटमेंट थे इन चार स्टेटमेंट में से तीन स्टेटमेंट ट्रू है डी और लास्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है रॉन्ग वाला आंसर आंसर पूछा था तो डी आपका हो जाएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये फिजिक्स के क्वेश्चन बायो के क्वेश्चन मिक्स हैं इसके बाद आपका फिजिक्स बायो के बाद एक और क्वेश्चन था मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का देख लेते हैं हा ये रहा ये बताओ कितने बार चिल्ला चिल्ला के कराया मेरे दोस्त बायोगैस में कौन सी गैस होती है हमने कराया कि नहीं बायोगैस में हमने जब आपको घटक कराए थे बायोगैस वाटर गैस गोबर गैस इन सारी गैसों को हमने कराया था तो बायोगैस में आपकी कौन सी सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है मीथेन गैस पाई जाती है कौन सी गैस पाई जाती है मीथेन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है बायोगैस में और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके बाद में सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये सभी गैसों का मिश्रण होती है क्या कौन सी बायो गैस? सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी थी मीथेन गैस थी तो इसका आंसर 71 वन का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 71 वन का बी ऑप्शन बताइए बताओ सिंपल थे कि नहीं क्वेश्चन ठीक है अब आपको प्रॉपर तरीके से आपको टाइप करके कल बता दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके क्लास नोट से आए हैं बस इसी बात की हमें खुशी है कि हम आपके वादे पे खरे उतरे आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे क्योंकि आप लोगों ने विश्वास किया जिसने भी प्रॉपर क्लासेस ली होंगी उसे पता होगा कि किस क्लास से कौन सा क्वेश्चन आया है ठीक है आप लोग अच्छी तरीके से ऐसे ही मेहनत करते रहिए आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आने वाला है रिजल्ट आपका बहुत ही शानदार आएगा तो क्लास को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि बाकी के टीचर अवेलेबल नहीं है वो अपनी क्लासेस को कल आपको एनालाइज कर देंगे वो अपनी जितने भी फिजिक्स के बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, या फिर आपके जितने भी हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, वो आपको कल डिस्कस कर देंगे है ना हमने आपको डिस्कस कर दिया और नया बैच आपका जब लॉन्च होगा मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं पूरे पूरे मार्क्स अपनी केमिस्ट्री वाले सेक्शन की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं और हमारे जितने भी टीचर्स हैं सभी के सभी मैथ में पूरा आया है मैथ का भी पेपर पूरा का पूरा क्लास नोट से आया है ठीक है वो अभी विवेक राय सर आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको पता चल जाएगा हर एक मतलब पूरा का पूरा एग्जामपुर से कंटेंट आया है अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्लासेस को देखना और पेपर को देखना सामने है आपके आप खुद हमें कमेंट करके बताना कि सही आप सर सर आप सही बोल रहे हैं ठीक है चलिए ओके आप लोग बिंदास रहिए मस्त रहिए खुश रहिए और अपने बैठ करिए अपने अब लग जाना किसके एस एस बी अब की बार तोड़ देना ठीक है अब की बार एस एस बी तोड़ देना और हिंदी इंग्लिश कलम बता देंगे आपको एक बार और करवाएंगे उसको तो इंग्ले, हिंदी इंग्लिश में बता देंगे हमें किसी स्टूडेंट ने ये वाला पेपर भेजा था तो जैसा मिल पाया पेपर उत, वैसे हमने आपको करवा दिया है ना अभी एडजस्ट कर लीजिए हम आपको करवा देंगे चलिए थैंक यू शुक्रिया दोस्तों ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए ऑल दी बेस्ट जय हिंद जय भारत थैंक्स